बारिश कभी कभी हमें ये भी करना पड़ता है। देख लीजिए हम रोड पे बैठे बैठे जब तक राइड नहीं आ रही है तब तक यहाँ से टीवी को एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हमारा 30 डे चैलेंज का दूसरा दिन, तो आज हम देखेंगे आज की हमारी कितनी अर्निंग हो पाती है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि हमारी कुछ राइड कुछ खास हमें मिली नहीं थी क्योंकि कल था क्रिसमस डे। तो आज देखते हैं आज की राइड कैसी मिलती है नहीं मिलती। तो चल आइए स्टार्ट करते हैं रैपिडो को। रैपिडो हमने स्टार्ट कर दी है, तो गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। लगभग 15 मिनट बाद आज एक राइड आ चुकी है। चलते हैं इस राइड को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको इस कंप्लीट करने के बाद। 1.7 किलोमीटर पिकअप दिखा रही है। दूसरी राइड आ चुकी है, अब चलते हैं दूसरी राइड को पिक करने के लिए। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 मिनट में आ रहे हैं कस्टमर। गाइस थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी तो हमें राइड कैंसिल करना पड़ा। तीसरी राइड के लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तीसरी में ऐसे दूसरी बोल सकते क्योंकि दूसरी तो कैंसिल हो गई थी। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अब कस्टमर का वेट कर रहे हैं, आने के बाद चलते हैं इस राइड को कंप्लीट करते हैं। मैं चौथी राइड पे आ चुका हूँ गाइस, चौथी राइड का पिकअप करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ। करते हैं अब कस्टमर को पहले कॉल कर लेते हैं। मैसेज कर दिया मैंने, चल रही है कस्टमर कॉलिंग हो रही है। गाइस कभी कभी हमें ये भी करना पड़ता है, देख लीजिए राइड अब बुक करी और उन्होंने सामान पार्सल करने को दे दिया। मैंने जस्ट अभी उसको पार्सल दे चुका हूँ मैं, और अभी आ चुके हैं मेन रोड पे। देख सकते हो मेट्रो वाली लाइन है ये, मिलेनियम सिटी सेंटर। यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अब नेक्स्ट राइड का। एक बात हमें ये समझ में नहीं आती कि अगर रैपिडो वाले ने पार्सल फूड डिलीवरी सारा का ऑप्शन, बाइक एंड टैक्सी सब चीज़ का ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, फिर भी पता नहीं लोग बाइक एंड टैक्सी में सामान पार्सल क्यों करवाते हैं। सुबह के बजाय 11:30 लगभग 3 घंटे हो चुके हमें राइड करते हुए, आज भी कोई खास राइड आ नहीं रही है। बिल्कुल कल की तरह ही राइड आज आ रही है। फिलहाल अभी हम मॉल 51 के सामने खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं राइड का, राइड आ नहीं रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ से रोड पे बैठे बैठे मैं ले रहा हूँ टीवी का मज़ा। देख सकते हो गाइस मॉल में टीवी चल रही है, हम रोड पे बैठे बैठे जब तक राइड नहीं आ रही है तब तक यहाँ से टीवी को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। टंकी मूवी का ट्रेलर चल रहा था, तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और मैं घर पे आ चुका हूँ क्योंकि राइड तो आई नहीं है। देख सकते हो उसी समय जो राइड खत्म हुई थी तभी तो खत्म हो चुकी है। मैं कर देता हूँ अपनी ड्यूटी को ऑफ, चलते हैं नाश्ता करने के लिए, लंच करने के बाद मिलेंगे आप। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी मैं फिर से अपनी आईडी को ऑन करने वाला हूं। तो कर रहे थे फटाफट से अपनी आईडी को ऑन, देखते हैं अब शाम तक में कितनी अर्निंग हो पाती है। जब से हमने राइड करना स्टार्ट किया है तब से तो किस्मत ही खराब है, कल भी राइड नहीं हो रही, आज भी राइड नहीं मिली, देखते अब कब मिलती राइड। तो हमारी आईडिया ऑन हो चुकी है, इंतजार करते हैं कस्टमर का, अब तो राइड का वेट करते हैं, देखते कब तक राइड आती है। पूरा का पूरा 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमें फाइनली राइड मिल चुकी है शाम की 2:40 में। चलिए इस राइड को कंप्लीट करते हैं। Thank you.
तो आ नहीं रही थी, 2 घंटे में मैंने मात्र 1 राइड मारी है। तो फिलहाल मैं मेट्रो से खाली घर आ चुका हूँ, खाली मतलब कि बिना राइड लिए हुए, जबकि मेट्रो से कभी वापस खाली नहीं आता था। आज मेट्रो से खाली वापस आया हूँ क्योंकि भूख लग गई थी, जाता हूँ खाना बनाता हूँ, उसके बाद देखेंगे फिर से शाम में एक बार राइड ऑन करके राइड आती है नहीं आती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हमारी किस्मत अभी ख़राब चल रही है, दोपहर के फिर से मैंने आईडिया मात्र 1 राइड मारी, उसके बाद कोई राइड नहीं आई। फिर मैंने 5 राइड ऑन करी तो 6 बजे आके 1 राइड मिली। बंदे ने गलत लोकेशन डाल रखा था, तो आप देख सकते हो ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो इसका क्या फ़ायदा, मैं क्या करूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 6 बज चुके हैं शाम के, 300 रुपये की कमाई हुई है, तो इसलिए अब हम अभी काम को करते क्लोज।